अरे डांस कब शुरू होगा? डांस भी शुरू हो ही जाएगा, शाम भी होगी है, एडवांस मैंने दे ही रखा है, आती होंगी वे बस। अरे यू शेख चिल्ली कैसा आया? अपू डांस देखने आया होगा, देखने दो। चल ठीक है, कोई बात नहीं। लाला कैसे नोट से फेंक अंदर रख दे। शेख चिल्ली पैसे ले अपने। क्या लाला जी, मैं बिल्कुल लेने वाला, मैं तो पूरे एक साल में लूंगा। नहीं नहीं भाई, पैसे ले अपने। नहीं नहीं, मैंने नहीं, परोक रखो। मैं नहीं नहीं, ले ले भाई, परोक रखो ही ना। अबे ले ले अपने पैसे, ले ले। यार मेरा, वाह लाला जी, मुझे नहीं चाहिए, मैं एक साल में लूंगा। लाला जी, हाँ जी, रुपए की दाल देना। ठीक है, मैं 10 रुपए दाल देता हूँ, बाद में लूंगा। लाला जी ये बनाओ, रखो, ये ला 10 रुपए की दाल। अबे भाई मुझे तो आज भी देने, कल भी देने। अबू आ गई बेटा, ले आई दाल। शेख चिल्ली को पैसे दे रहा, इतने सारे। शेख चिल्ली कह रहा मैं नहीं ले रहा। लाला कह रहा ले जा, शेख चिल्ली कह रहा मैं नहीं ले रहा। लाला कह रहा ले जा, शेख चिल्ली कह रहा मैं नहीं ले रहा। सच बात है, बिल्कुल सच, सच अब्बू। हाँ अब्बू। अच्छा अभी बांधता हूँ इलाज, ले। एक मिनट रुक। हाँ अब्बू। अन्नी का मुंह खोल। ठीक है। ए यू मैंने 1 रुपया डाल दिया इसमें, और लाला के मुंह पे फेंक के मार ये साले का, समझा कर? अबू समझ गई, तुम्हारी ही बेटी। जा ला मुर्गा फंसा के, अब कटेगी सही रात। अबे लाला जी मैं बिल्कुल नहीं लेने वाला पैसे, ये मैंने बोरी से रख दी। शेख चिल्ली ये तेरे पैसे मैंने पन्नी में भर दिए, ले भाई इन्हें ले। लाला जी एक बात सुनो, मुझे तुम जैसा दोस्त ईमानदार कोई मिलेगा? लाला जी ने तुम रखो, मैं बाद में लेने वाला 6 महीने में जाऊंगा। अपना हिसाब अपने द्वारा रख। मैं लाला जी मुझे क्यों कर रहा, तुम रख लो। ओए लाला पकड़ अपनी दाल, गरीब बेशक है ईमान नहीं बेचते, 1 रुपया गेर के तू हमें अजमा रहा था। क्या हुआ, कैसे लाल पीली हो रही हो? दाल पसंद नहीं आई क्या इमरान को? पसंद की बात नहीं है, मेरे अब्बू ने दाल में 1 रुपया देखा, बहुत गुस्सा करा, मुझे भी डांटा कि तू दाल कैसे लेके आई। 1 रुपए में इतनी लड़ाई? लड़ाई की बात नहीं है, तुमने हमें समझ क्या रखा है, लोग बाग हमारे घर में कुछ भी रख जाते हैं, मजा ले जो हमारे अब्बू छू जाए, अल्लाह वाले हैं हमारे अब्बू। हाँ ले, 1 रुपए हमने अपने निकाल लिया, ले अपनी दाल लेकर जा। तुमने हमारे ईमान को अजमाया, हमें नहीं चाहिए दाल, हमारे 10 रुपए दे दो। ये तो बहुत ईमानदार लोग हैं, 1 रुपए को भी नहीं रखा, क्यों ना अपने पैसे इनके घर रख दूं, जब जाऊंगा 6 महीने में ले जाऊंगा, लाला की जिम्मेदारी भी खत्म। अबे शेख चिल्ली क्या सोच रहा, लाला जी इनके 10 रुपए भी दे दो और ये पैसे मुझे दे दो, तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। और तुम्हारा 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 घर कहाँ? क्यों मुझे तुम्हारा अब्बू से मिलना? चलो तो मेरे घर चलो। ठीक है लाला जी, तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म, मैं भी आ रहा हूँ। चलो 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 चलो। अब्बू शेख चिल्ली है जो लाला के यहाँ काम करता है। ये ठीक आदमी मिल गया ईमानदार, उसने तो पैसे को हाथ भी नहीं लगाया, लुकरा जहाँ रख जा और चले जियो शेख चिल्ली, और सही काम हो गया भाई। और तो हर महीने लाला से पैसे ले आया करूँगा, इसके तो रख जाया करूँगा, जब घर जाऊँगा जब सारे ले जाऊँगा, रुखसाना भी खुश, मम्मी भी खुश, बेटा ये सही है। अब तो लाला कह रखे हैं पैसे, ये ठीक है भाई।
भाई खड़ा। भाई मुझे अपना काम करना है। भाई ये काम मेरा है। भाई अब तू बाहर जा, ये काम मेरा है। लाला जी। हाँ भाई हाँ। मुझे नहीं रखना क्या? अबे जब तुझसे मंदा मुझे नौकर मिल गया, मेरे बाप ने भांग खाई, तुझे रखूं बादाम खाने को? ओ तो ये बात है, ये तो मुझे पहले बतला देते, मैं तो अपने घर चला जाता पैसे लेके। मैंने तेरा हिसाब इसीलिए तो करा था। ठीक है नहीं रखना मैं तो अपने घर जाऊंगा पैसे लेके। तू काम कर। अम्मी ये आपके हाथ में क्या हो गया? ये जल गया था जब मैं छोटी सी थी। देख लो अम्मी पूरे 6 महीने हो गए अब तक उन्होंने आकर नहीं देखा शेख जी ने। है तो अपने बाप की औलाद, जो कहकर गया है वही करेगा। 6 महीने की बोल के गया है तो 6 महीने में ही आएगा। उसका ये भी तो नहीं पता कहाँ काम कर रहा है। तुझे पता है कहाँ काम कर रहा है? अगर मुझे पता होता तो अब तक मैं उनसे 100 बार ना मिली आती। चल ठीक है ऐसा कर तू कुछ बना ले। ठीक है अम्मी आ जाएगा। ठीक है। मुल्ला जी कैसा आए? अब्बू मुल्ला जी पैसे लेने आए अपने। अच्छा तुम्हारे घर में से पैसे लेने आया? यहाँ से ले जाओ टकसाल। भाईजान मैं तुम्हारे पैसे घर में मिले मिले ही नहीं। ना मिले तो हमने तो छेड़े नहीं, ना हमने खाए, हम ठहरे ईमानदार। तुम कैसे ईमानदार? तुम तो बहुत बड़े बेईमान हो, तुम्हारे घर में तो पैसे कहाँ चले गए? ओए बेईमान कहने से पहले होश में बोलिए। रपेटे इतने मारुआ 1 मिनट से पहले यहाँ से बाहर निकल जा, कभी अभी पैसे मिले। बस तुम्हें बेईमान मिलेगा, तुम्हारे घर में से पैसे कहाँ चले गए? तुम बेईमान नहीं कर रहे? अभी 1 मिनट में पुलिस को बुला लूंगा 100 नंबर पे कॉल करके। चुपचाप निकल जा, हमारे जैसे ईमानदार पे तू लच्छन लगा रहा। कितने में ईमानदार है हमारे रुतबे ईमानदारी के पूरे हिंदुस्तान में। आया अब्बू, पैसा तो ऐसी चीज है अब्बू जो अच्छे अच्छों की नीयत डिगा देता है। क्यों अब्बू? ठीक कह रही है बेटा, बिल्कुल ठीक कही। ऐसा मूर्ख तो मैंने पहली बार देखा अब्बू, जो अपने घर पैसे रखने की जगह हमारे घर रख के जा रहा है। पैसे लेके जाओगे मेरे से? पैसे तो पहुंच के गोरखपुर। विश्वास करना बेकार है। बेटा शेखू आ गया, क्या बात हो गई? अरे ऐसा उदास सा क्यों है? शेख जी इतने दिनों में आयो, ना अम्मी से दुआ ना सलाम और ना मुझे देखा, क्या बात हो गई? हाय बेटा रो मत रो मत, क्या हुआ? अम्मी एक मुल्ला ने मेरे साथ धोखा किया।
ठीक है बेटा, ये बात है तो मैंने भी उन्हें सबक ना सिखाया तो मेरा नाम भी नहीं। जा तू रोटी खा ले, जा। रुखसाना इधर कान लाइयो। ठीक है अम्मी, मैं तैयार हूँ, चलो। तो हो जाए, चलो। ठीक है, क्या नाम है बेटा उसका? उसका नाम उसे कहते हैं इलियास चरिया, उसकी लड़की का नाम नफीसा, और फरीदनगर कस्बे में रहता, अंसारी वाले मोहल्ले में। मगर अम्मी तुम क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं कुछ नहीं, तू अंदर जा, जा, जाओ शेख जी। ठीक है, चलो अम्मी। भाई साहब, भाई साहब, इलियास चिलिया का घर कहाँ पर है? मुझे ना पता, आगे पूछ लो। ठीक है, ठीक है जी, चलो। भाईजान। हाँ जी। इलियास चिलिया का घर कौन सा है? ये रे, ये भाईजान, इलियास चिलिया आप ही हो? अजी मैं ही हूँ इलियास चिलिया, कहिए मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? अजी कहना क्या, आपके पड़ोस में कोई डांस का प्रोग्राम है, शादीवादी का, किसी ने कहा था, इलियास चिलिया से पूछ लेना। अच्छा वो शादी तो कब की होगी? पर एक बात तो बताओ, डांस का प्रोग्राम करती हो क्या? अजी लड़की नाचती है, मैं तो दलाल हूँ बीच में। अच्छा एक बात बताओ, मेरे घर भी नाच दोगी क्या? जो कहोगी वो ही दे दूंगा, और भी सोच लो कुछ, जो कहोगी वो ही दे दूंगा। जैसा कहोगे वैसा करूंगी, प्रोग्राम कब है? कल ही रख लो, जो कहोगी वही दे दूंगा, पैसों का कोई मेरे पास तोड़ा है ही नहीं, इलियास चारिया के पास। और एक बार मिलवाना भी। अच्छी सेल्फी पाल रखी तो दे एडवांस, पैसों की तो कोई कमी ही नहीं इलियास चरिया के पास, ये पकड़ो एडवांस। और ये सामने वाला घर है मेरा, कहो तो अभी दिखा दूं। नहीं नहीं नहीं, कल आएंगे। कोई बात नहीं, ठीक है, चलो। अरे डांस कब शुरू होगा? डांस भी शुरू हो ही जाएगा, शाम भी होगी है, एडवांस मैंने दे ही रखा है, आती होंगी वे बस। अरे यू शेख चिल्ली कैसा आया? अपू डांस देखने आया होगा, देखने दो। चल ठीक है, कोई बात नहीं। सिंगार दानी छोटी हाय दैया दैया।
लगा के जेवर पहन के इंतकाल में और ये हीरो के कंगन पहन के कैसे जाऊंगी? कैसे जाऊं अल्लाह? यहाँ कौन है? किस पे विश्वास करूं? या मेरे मौला? यार अगर मैंने शेख चिल्ली के पैसे वापस ना दिए और इसने सबके सामने यू कह दी कि शेख ने मेरे पैसे रख लिए, तो ये जो 5 लाख के गहने पहन रही है ये तो मेरे पास नहीं रखेगी। ऐसा करता हूं, ईमानदारी दिखाता हूं, शेख चिल्ली के पैसे वापस कर देता हूं। ले वैसे एक चिल्ली, अपने पूरे पैसे गिन ले। मेरे पैसे बहुत, मेरी मेहनत की कमाई है बोला जी, मेरी मेहनत की कमाई है। कमाल का आदमी है तू, भी भेड़ का फुप्पा ही है, रखा कहीं है, ढूंढा कहीं है, हैं? इलियास चलिया को ऐसी मान रहा होता क्या शेख जी? मेरे अब्बू बिल्कुल ठीक है, अब डांस नहीं रुकेगा। इसलिए नाची, मुझे तो पैसे मिलेंगे पैसे। और शेख चिल्ली तू क्यों नाचा? मैं यूं नाच रहा हूँ, मुझे 6 महीने की कमाई कोई कुआई मिल गई, अब मुझे तो खुशी में नाच रहा हूँ। और इलियास चिड़िया तुम क्यों नाचे? भाई मेरी भी बात सुनो। सुनाओ। अजी मेरी ना पूछो, जो पैसे मुझे इसे देने थे वो तो शेख चिल्ली के थे, मैंने शेख चिल्ली को दे दिए, अब तो यू मेरा डांस देखो और मैं इसका डांस देखूं। हरामजादे, हम कोई नाचने वाली नहीं है, ये तो तुझे सबक सिखाने के लिए हमने चाल चली थी, वरना तो मेरे बेटे शेख चिल्ली के पैसे देता। ठीक है तो फिर मिलेंगे।